हेलो गाइस, मैं स्वागत करता हूं अपने नए ब्लॉग पर। दोस्तों, मैंने जो पिछली वीडियो आपको दिखाई थी उसमें कितनी मछलियां थी, दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि वे मछलियां मैंने किस नदी से पकड़ी थी और कितनी मछलियां आ रही थी। उस टाइम पे मैंने आपको वीडियो में दिखाया था लाइव प्रूफ, दोस्तों बहुत ही मछलियाँ थी। इतनी मछली मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखी थी और पहली बार इतनी मछलियाँ पकड़ी भी थी। दोस्तों, अगर आपने ना देखी हो तो उस वीडियो को देख लें। अगर मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो दोस्तों, आइए मैं आपको बता दूं कौन सी है वो नदी और कहां से पकड़ी थी वो मछलियाँ। तो बने रहें इस वीडियो पे, आइए वीडियो करते हैं अब स्टार्ट। देखिए दोस्तों, ये है वो नदी जहाँ से हमने मछलियाँ पकड़ी थी। और बरसात के टाइम में इतना पानी आता है ना इसमें पहाड़ की साइड से कि बहुत ही मछलियाँ आ जाती हैं। एक दोस्त ने कहा था मेरे कि मछलियाँ आप भाई कहाँ से पकड़ते हो भाई, या इसी नदी में से पकड़ते हैं हम मछलियाँ, मगर बरसात के टाइम में जब पानी आता है जब ही इसी में से मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। इस टाइम तो ये सूख गई है, इसमें पानी नहीं आ रहा है। जब बरसात पड़ने लगती है तो उस टाइम पे इसमें बहुत पानी आता है, तभी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं इसमें। और काफ़ी दूर तक ये नदी जाती है, इसी में से पकड़ते हैं मछली। अभी तो इस टाइम पानी नहीं है इसमें तो मछलियाँ भी नहीं हैं। मैं आपको दिखा दूं दोस्तों, इस टाइम तो इसमें पानी नहीं है, सारी नदी सूखी पड़ी है। इस नदी में दोस्तों पहाड़ की साइड से जब पानी आता है ना ऊपर से, देखो ऊपर की साइड ये पहाड़ है, जब इस नदी में पानी आता है ऊपर से पहाड़ से तो बहुत ज़्यादा मछलियाँ भी आती हैं और पानी भी आता है। ये है वो नदी, इसी में से आती हैं, बड़ी बड़ी मछलियाँ भी आती हैं, छोटी भी आती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो करते हैं यहीं पर अब समाप्त।